कारखाने को बचाने के लिए आंदोलन की नई रणनीति तैयार की गई। इस संबंध में विभिन्न राजनीतिक प्रतिनिधियों की एक परिचर्चा आयोजित हुई। कारखाने को बचाने के लिए सभी पहलुओं पर विचार विमर्श हुआ। आपको बता दें कि कारखाने के संपूर्ण प्लांट को मात्र 2,79,00,000 रुपए की ऑफसेट कीमत पर विक्रय की विज्ञप्ति सरकारी संपत्ति प्रबंधन विभाग द्वारा निकाली गई, जबकि ऑपरेटिव कारखाने को सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं दी जा सकती है, तो उसे बिक्री का भी राज्य सरकार को कोई अधिकार नहीं है। उक्त राशि न तो कर्मचारियों का भुगतान हो सकता है और न ही किसानों को भुगतान दिया जा सकता है। ऐसी दशा में कारखाने को बेचकर समाप्त करने की सरकार की मंशा पर सवालिया निशान खड़े किए गए। विरोध के क्रम में गणतंत्र दिवस के पूर्व 25 जनवरी को दोपहर 1 बजे से 5 बजे तक कारखाने के सामने सभी राजनीतिक दलों संगठनों की ओर से उपवास कार्यक्रम कर मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप की अपील की जाएगी। लोगों ने ये शक्कर मिल चलाने के लिए और शक्कर मिल को नहीं बेचा जाए, किसान और कर्मचारियों का जो बकाया भुगतान है उसके बारे में मीटिंग की है। उसमें इस क्षेत्र के सभी प्रमुख नेतागण उपस्थित रहे हैं। उसमें राजनीतिक दलों की झंडे और डंडों से ऊपर उठ करके, राजनीतिक मान्यताओं से ऊपर उठ करके हम लोगों ने निर्णय लिया है कि हम सब लोग शक्कर कारखाने को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे और 25 जनवरी को गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या के समय हम लोग 1 बजे से लेकर के 4 बजे तक शक्कर कारखाने पर उपवास करेंगे।